नमस्कार, आप देख रहे लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा की लड़ाई जारी है, तीसरे चरण का मतदान होने वाला है। 15 राज्यों की 116 सीटों पर मंगलवार को वोटिंग है। 116 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें एनडीए के पास है। 2014 में एनडीए ने 67 सीटों पर कब्जा किया था। सबसे ज्यादा नजर यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात पर है, जहां बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। इस चुनाव में मुलायम, राहुल, अमित शाह, जया प्रदा जैसे कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। यूं कहें कि देश के सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस खोई हुई जनाधार पाने की कोशिश में है, तो बीजेपी जनाधार को बचाने की कोशिश में है। किसकी साख बचेगी ये जनता तय करेगी। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव अब चरम पर है। तीसरे चरण के चुनाव होते ही आधी से ज्यादा सीटों पर मतदान हो जाएंगे। तीसरे चरण में 15 राज्यों की 116 सीटों पर मंगलवार को वोटिंग होगी। तीसरे चरण में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के सामने गृह राज्य गुजरात समेत महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अपनी जीती हुई सीटें बचाकर रखना बड़ी चुनौती होगी। इस चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। इस चरण में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है। इसी चरण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से चुनावी मैदान में हैं, जिनके किस्मत का फैसला होना है। राहुल के सामने केरल में अपनी जीत के साथ साथ पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी है। कांग्रेस को अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने की चुनौती है। देश के दो बड़े पार्टियों की साख दांव पर है। एनडीए के लिए इस चरण में 67 सीटें बचाने की जिम्मेदारी है, तो कांग्रेस के लिए एक बार फिर से जनता का विश्वास जीतना एक बड़ी चुनौती है। मोदी और राहुल जनता को अपने अपने तरीके से लुभाने में जुटे हुए हैं। आतंकी फैक्ट्री में घुसकर बिना किसी भेदभाव सफा चट करके आ गए। आज हर आतंकी को पता है कि अगर देश के किसी हिस्से में बम धमाका किया तो ये मोदी है, ये उन्हें पाताल में भी खोजकर सजा देगा और उनको उनको उनके आकाओं को भी खत्म करके रहेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को साल में रोजगार। आप मुझे जानते हो मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मगर मैं आपको अमेठी के, रायबरेली, उत्तर प्रदेश, तिलोई सब के युवाओं को कहना चाहता हूं, 22 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि साल के अंदर ये जो 22 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, इनको मैं भर के दे दूंगा अगले साल तक। अब आपको बताते हैं कि तीसरे चरण में जिन राज्यों में मंगलवार को मतदान होने हैं, उन राज्यों में 2014 में क्या स्थिति रही थी। यूपी की 10 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें बीजेपी के पास 7 और सपा के पास 3 सीटें हैं। गुजरात की सभी 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें बीजेपी ने सभी सीटों पर कब्जा किया था। महाराष्ट्र में 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2014 में बीजेपी ने 6, शिवसेना ने 3 और एनसीपी ने 4 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। केरल की 20 सीटों में से यूडीएफ को 12 और एलडीएफ को 8 सीटें मिली थी। वहीं ओडिशा के जिन 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें बीजेडी ने सभी सीटों पर कब्जा किया था। गोवा के 2 सीटों पर हो रहे चुनाव में 2014 में बीजेपी ने कब्जा किया था। कर्नाटक के जिन 14 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे, उनमें 10 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। बिहार के जिन 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, इन 5 सीटों में से आरजेडी 2, कांग्रेस 1, एलजेपी 1 और बीजेपी ने 1 सीटें जीती थी। छत्तीसगढ़ के 7 सीटों में से 6 बीजेपी और 1 कांग्रेस ने जीती थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के 5 सीटों में से कांग्रेस 3 और टीएमसी ने 2 सीटें जीती थी। असम के 4 सीटों में से बीजेपी ने 1 और एयूडीएफ ने 3 सीटें जीती थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के 1, दादर नागर हवेली में 1, दमन दीव में 1 सीट और त्रिपुरा पूर्व सीट पर वोटिंग होगी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तीसरा चरण बीजेपी के लिए साख का सवाल है। अगर एनडीए इस चरण में 2014 के परफॉर्मेंस को बरकरार रखती है, तो दिल्ली की गद्दी आसान हो सकती है। अब देखना होगा कि जनता के मन में क्या है, जनता किसे वोट की चोट देकर दिल्ली की गद्दी तक भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट।
जी हाँ, तो तीसरे चरण में चुनाव होगा और ऐसे में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। खास तौर पर अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो वायनाड सीट से चुनावी मैदान में है, साथ ही अमेठी से भी चुनावी मैदान में है, लेकिन तीसरे चरण में वो वायनाड सीट पर वोटिंग की जाएगी और वायनाड सीट पर उनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपको तारुफ करा देते हैं। सुरेंद्र अग्रवाल, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ देहरादून से सीधे जुड़ गए हैं। मनोज यादव कुछ देर में हमारे साथ सपा के नेता लखनऊ से जुड़ जाएंगे। अरविंद सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि पीएसपीएल के नेता हैं। साथ ही अनिता अग्रवाल हमारे साथ रहेंगी लखनऊ से जो कि भाजपा की प्रवक्ता हैं। फजिल अहमद राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन सुरेंद्र अग्रवाल, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है, वायनाड पर कल चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में किस तरह से देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती है राहुल गांधी के सामने वायनाड सीट को निकालना? देखिए, निश्चित रूप से देश की एकता को और मजबूत करने के लिए राहुल जी केरला गए, वायनाड गए हैं, और वायनाड में मुझको लगता है कि केरल की जनता स्वयं चाहती है कि भारी मतों से जीत कर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा में पहुंचे। निश्चित रूप से देश की एकता को मजबूत करने का संदेश देने के लिए वायनाड गए हैं, और वो जनता मजबूरी, क्या मजबूरी यहाँ पर सुरेंद्र जी है, जनता चाहती है, क्या वजह इसके पीछे मैं मानूं कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी के साथ साथ वायनाड भी जाना पड़ा जी? क्या वजह इसके पीछे? ये क्या पहली मर्तबा हो रहा है देश के अंदर? मैं समझता हूँ राहुल गांधी के साथ तो पहली मर्तबा ही है, लोकसभा क्षेत्रों से पहले भी लड़ते रहे हैं। अब राहुल जी ने साफ स्पष्ट किया है कि वो राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए वहां गए हैं। ये संदेश जाना चाहिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। जो लोग आज धार्मिक उन्माद फैलाकर देश की एकता, अखंडता, सामाजिक स्वार्थ को नष्ट करना चाहते हैं, यदि उनके लिए संदेश देना चाह रहे हैं राहुल जी, ये तो सब लोगों को इस मामले में। लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि अमेठी में अब राहुल गांधी को डर और खौफ लग रहा है। जी सुरेंद्र जी, अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, जी लोकतंत्र की, अब विपक्ष तो लगाएगा ये आरोप वो लगा रहे हैं, नहीं ये जो आंकड़े हैं वो भी दिखा रहे हैं सर, ये जो आंकड़े हैं सुरेंद्र जी वो भी दिखा रहे हैं, और अखंडता के संदेश को तोड़ना चाहते हैं। नहीं, आंकड़े भी साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि 2014 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें जो अंतर है राहुल गांधी की जीत का वो बेहद कम था, तकरीबन 1,00,000 वोट से ही राहुल गांधी जीत पाए थे, और 5 सालों के दौरान जो स्मृति ईरानी का दौरा लगातार अमेठी में रहा, क्या ये वजह है कि कांग्रेस में डर खौफ नाम की चीज है कि उन्हें वायनाड जाना पड़ा? नेहा जी 2004 के आंकड़े भी दिखाए जाने चाहिए, वो आंकड़े भी दिखाए जाने चाहिए कि संसद के अंदर मात्र 2 सांसद होते थे भाजपा के, वो तमाम आंकड़े आने चाहिए। जनता के निर्णय लेने की क्षमता पर हमें पूरा भरोसा है, और जनता के निर्णय को संदेह की दृष्टि से देखना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। चलिए, इस बीच हमारे साथ पीएसपीएल के नेता फरत रईस खान भी सीधे जुड़ गए हैं। फरत रईस खान जी, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। दरअसल सवाल हमारा यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरह से तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, शिवपाल सिंह यादव भी चुनावी मैदान में है। अगर हम शिवपाल सिंह यादव की यहाँ पर बात करें तो शिवपाल सिंह यादव, ये कहा जा सकता है कि फिरोजाबाद सीट से चुनावी मैदान में है, और चुनावी मैदान में उतर के वो सीधे सीधे टक्कर दे रहे हैं अपने भतीजे अक्षय यादव को। क्या वजह रही यहाँ पर, और कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव के लिए है इस सीट को निकालना? देखिए, हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी पूर्ण रूप से ये बता देना चाहता हूँ कि कम से कम 2 से 2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, क्योंकि वो जमीनी नेता है, हवा की सियासत नहीं करते। पारिवारिक लड़ाई तो नहीं है जो कि सार्वजनिक तौर पर अब देखने के लिए मिलेगी? पारिवारिक लड़ाई तो वैसे भी देखने के लिए मिली जो कि सार्वजनिक हो गई, अब यहाँ पर जो सीधे सीधे अखाड़ा है वो फिरोजाबाद बन गया है। नहीं, निश्चित तौर पर ये
कार्यकर्ता की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है और परिवार से जिस तरीके से नेताजी के सम्मान की भी लड़ाई है, इसको भी नहीं डिनाई किया जा सकता। लेकिन हमारे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने उनका एक बेटा है उसकी कसम खा करके कहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से एक पैसा नहीं लिया, मैं नहीं मिला हुआ हूं। मैं कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि राम गोपाल जी भी आए, वो भी कसम खा के बता दें, जिनके साथ इतनी फोटो है, मोदी जी अगर नहीं गए थे तो केक नहीं काट पा रहे थे, ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, हमेशा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। और प्रोफेसर साहब के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, शायद घमंडी प्रोफेसर के नाम से पूरे इटावा से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरा हिंदुस्तान उनके बारे में जानता है। चाहे वो पत्रकारों से भी कभी क्वेश्चन किया जाता है तो वो ऐसे जवाब देते हैं जैसे कहीं के पता नहीं क्या हो। मेरे तो ये नहीं समझ में आता इस घमंडी इंसान के लिए इतना लोग क्यों परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ये बी टीम के रूप में काम हमेशा इन्होंने किया है। और हमारे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के लिए कहने की जरूरत नहीं है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताएंगी कि उनको किस तरीके से रहना है। और उसके बाद माननीय अखिलेश यादव वहां मौजूद थे, उसके बाद एक वर्ड नहीं बोले, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से जानी जाती थी बोल मुलायम हल्ला बोल के नाम से जानी जाती थी, और अब हल्ले मुंह की आवाज तक को उनके दबा दिया गया है। अनिता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं क्योंकि भाजपा की प्रवक्ता हैं। अनिता जी आपसे मेरा एक सवाल है क्योंकि बीजेपी की अगर हम बात करें, एनडीए की बात करें, तीसरे चरण में जो चुनाव होने वाले हैं 116 सीटों पर चुनाव है, ये बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की बात है इन सीटों पर निकालना। और सबसे बड़ी बात है गुजरात महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं इन पर भाजपा का जो दबदबा है वो ज्यादा रहा है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए मैं मानूं, क्योंकि इन सीटों पर जो ऐसी 67 सीटें हैं जिन पर भाजपा का कब्जा है और एक बड़ी चुनौती है ये वापस सीटें दोहराना और इससे ज्यादा बढ़ाना। देखिए नेहा जी, सबसे पहले इनको समझा दीजिए, फरज जी बीच में ना बोले, इनकी अक्सर आदत है बीच में बोलने की। जी जी बताइए। देखिए भाजपा की कोई चुनौती नहीं है। देखिए ये ऐसी बसपा पहले कोई भी इसकी कोई सीट नहीं थी, समाजवादी की 5 सीटें थी, कांग्रेस की 2 सीटें थी, और आज जो है समाजवादी पार्टी को अपना अस्तित्व बचाने के लिए माया बहन जी का सहारा लेना पड़ रहा है, चाहे वो अखिलेश की सीट हो, चाहे मुलायम सिंह जी की सीट हो, चाहे आजम खान जी की सीट हो, तो उनको अपना अस्तित्व बचाना पड़ रहा है। वो अपने अस्तित्व बचाने के लिए, अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए सब इकट्ठे हो गए। लेकिन नेहा जी जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वो जानती है जो आज अपने स्वार्थ के लिए अपने सिर बचाने के लिए लड़ रहे हैं वो केंद्र में जाकर आगे क्या करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मायावती जी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, सुनिए, और समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो मायावती मना कर रही है, यानी कि लखनऊ में मैनिफेस्टो लागू होगा, मोहनलालगंज में लागू नहीं होगा। देखिए आप 2014 वाली स्थिति को लेकर मत चलिए, यहाँ पर अनिता जी सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए, 2014 वाली स्थिति नहीं है मैडम, क्योंकि अगर 2014 की बात करें तो पहले तो आपको सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाने थे, लेकिन आज की जो स्थिति है, आज आपको 5 सालों का हिसाब देना है, आज आपको उन सांसदों के कामों का जवाब देना है जो कि आपके हैं, जो कि बीजेपी के हैं, जो कि एनडीए के हैं, तो अब जनता जवाब मांग रही है। उस वक्त आप सवाल उठा रहे थे, मोदी लहर थी, लेकिन अब जनता जवाब मांग रही है। अब जो स्थिति है वो अलग है, पहले इनका जवाब दे रहे हैं। नेहा जी हम जनता को जवाब दे रहे हैं, जो आपकी 14 वाली स्थिति से ज्यादा अच्छी स्थिति है, क्योंकि अब जनता ये देख रही है कि पूरा ठग बंधन एक हो गया है, चोर चोर सब इकट्ठे हो गए हैं, ये जनता देख रही है, जनता को समझ आ रहा है। और हमने काम के आधार पे मांग रहे हैं, हमने काम किया है, हमने अंत्योदय पे, सुशासन पे, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो आज गरीबों को आवाज दिए है, गरीबों को बिजली दी है, गरीबों को हमने पहले देखिए, आज महिला शाम को कहीं शौच करने नहीं जा सकती थी, दोपहर में जा नहीं सकती थी, उसको इतनी दिक्कत होती थी, लेकिन जो एक गरीब तबके से आया वो इस चीज को समझ सकता था, उन्होंने सबसे पहले शौचालयों की व्यवस्था की कि महिलाओं को शौचालय की व्यवस्था, ये किसकी सोच है, क्योंकि गरीब से आए हैं, ये परिवारवाद को नहीं पढ़ा रहे, और सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, सोने का चम्मच है कि जो पहले की स्थिति थी उससे बेहतर स्थिति है, और अब जो 5 सालों का हिसाब है वो मोदी बीच में जाकर दे रहे हैं, आम जनता को दे रहे हैं, आम जनता जानती है कि मोदी सरकार ने किस तरह का काम किया है, और अब जो स्थिति है वो 2014 वाली नहीं है, 2014 से बेहतर स्थिति है। अब देखिए 2014
14 क्यों, 2004 भी याद रखिए ना, 2004 में क्या हुआ था, फील गुड हो रहा था, इंडिया साइनिंग हो रही थी भाजपा नेताओं को, ये भी याद रखिए कि भाजपा का उत्तर प्रदेश में जो भगवा झंडा है वो जम्मू कश्मीर में जाकर हरा हो जाता है। ये भी याद रखिए कि पुलवामा में जो 300 किलो आरडीएक्स आ गया वो कैसे आ गया। ये भी याद रखने का समय आया है कि मोदी जी पाकिस्तान डे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान को बधाई भेजते हैं चोरी छिपे। ये भी याद रखने का समय आया है कि कैसे बिरयानी खाकर बिना बुलाए मेहमान की तरह पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाए आए। ये सब याद करने का समय है, ये सब चीज जनता को भी याद आनी चाहिए और जनता को याद आ रही है कि कैसे जुमलेबाजों ने नौजवानों को रोजगार के लिए ठगा है, किसानों को ठगा है, कैसे 15 लाख रुपए जेब में आने थे, 100 स्मार्ट सिटी में से 1 स्मार्ट सिटी बनी क्या, गंगा 1 किलोमीटर भी साफ हो पाई। सर, आपने भी तो बहुत वायदे किए थे, आपकी सरकार में भी तो बहुत वायदे किए गए थे, आपकी सरकार में भी तो बहुत वायदे किए गए थे। हमने क्या किया, हमारे वादे, हमने तो मनरेगा, नेहा जी मनरेगा को स्मारक बना रहे थे, स्मारक बना रहे थे मोदी जी। आरटीआई कौन लाया, इसरो कौन लाया, आईआईएम कौन लाया, इन्होंने तो बीएसएनएल, सुरेंद्र जी इतने घाटे में है, सुरेंद्र जी इतने चल रहा है, सबसे बड़ी बात ओएनजीसी का 40,000 करोड़ रुपया जो गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का जो उन्होंने बर्बाद कर दिया, वो पूछने का सब समय भी आया है। ठीक है, स्पष्ट नहीं आ रही आपकी सरकार ने इतने बेहतर काम किए हैं। आज सवाल तो भाजपा से किए जाने चाहिए, जो जी आपकी सरकार ने बहुत बेहतर काम किए हैं। देने दिए सुरेंद्र अग्रवाल को, जी जी बोलिए सुरेंद्र अग्रवाल जी को हम जवाब देना चाहते हैं। बोलिए, इन्होंने हम का कहीं देखना चाहिए, अरे बिरयानी खा के आए हैं प्रधानमंत्री जी, वो बिरयानी पूछे ना उसका क्या असर हुआ है, जितने नौजवान आज मारे जा रहे हैं, जितने जवान आज मारे जा रहे हैं, उतने तो युद्ध में भी नहीं मारे गए। अरे बताइए ना, बताइए उसका जवाब, ये जवाब मांग रहे हैं, रेफर का दाम बताइए ना क्या दिक्कत हो रही है, रेफर का दाम बताइए ना क्या दिक्कत हो रही है, 40,000 करोड़ रुपया ओएनजीसी का। सुरेंद्र जी सुन लीजिए, आपके पास भी आती हूँ मैं आपके पास में आती हूँ। यही लोगों की कमजोरी है, इन लोगों की यही कमजोरी है। अनीता जी बोलिए सुनना नहीं चाहते, शोर मचाते, रखिए अपनी बात रखिए आप। देखिए इनसे पूछिए, सलमान खुर्शीद ने खुलेआम कहा था कि सोनिया गांधी रोई, रात भर सो नहीं पाई, और सबसे बड़ी आतंकवाद को बढ़ावा, सिखों का कत्लेआम इन्होंने कराया, कश्मीरी पंडितों को इन्होंने निकलवाया, और उग्रवाद से देखिए ये विडंबना है आप देश की। आप लोग को समझिए, आप लोग का मुद्दे कौन से हैं, आप कहते हैं कि जवाब माना जा रहा है, जनता में उसका जवाब देने का समय आया है, विकास का मुद्दा हो गया, उनके दिमागों में नजर नहीं आ रहा है, जनता कीजिए, जनता की भलाई कौन देखेगा, यहाँ पर यह बताइए, छुपा दो, उत्तर भारत में लोग देख रहे हैं, अपनी हार भाजपा के मोदी जी को साथ रख रहे हैं, जब कभी पहले अपने को अंतर्राष्ट्रीय नेता बताते थे, अपने को देश का नेता बताते थे, अब कह रहे हैं कि मैं समूह विशेष का नेता बता रहे हैं, अपने को राष्ट्रीय नेता बोलते थे, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं पिछड़ा हूँ, इसलिए अनीता जी ठीक है मैं आपके पास आती हूँ। सुरेंद्र जी देखिए, ऐसे चिल्लाएंगे तो काम नहीं चलेगा, डिबेट नहीं हो पाएगी, आप मेरी बात सुनिए, एक है बंदूक और संदूक की पार्टी, दूसरी बच्चा की पार्टी, ठीक है सर, जो सुने सवाल सुन लीजिए उसके बाद आंसर दीजिएगा, सवाल सुन लीजिए सुरेंद्र जी, आप कहते हैं प्रधानमंत्री बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं, अनीता जी कह रही हैं तो मणिशंकर ये क्या करने जाते हैं पाकिस्तान, ये बताइए मणिशंकर क्या करने जाते हैं, पूछिए इनसे, मणिशंकर क्यों कटवा लेते हैं, मणिशंकर है तो प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं होना चाहिए क्या, जो पार्टी पावर में बैठी है आज भी सत्ता में है, ये तो लोकतंत्र का तकाजा है कि जो पार्टी सत्ता में बैठी है उससे सवाल किया जाए, जब जवाब नहीं होता जाएगा, इसी तरह आप सत्ता में बैठे हैं, 5 साल से आप पावर में बैठे हैं, चुनाव के समय में मेरी छोटी बहन अनीता जी ने ये मोदी जी सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए, अनीता जी मुद्दे से मत भटकिए, अनीता जी आपने तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के साथ मुद्दे पे आइए, कश्मीर में सरकार चलाई है,
जम्मू कश्मीर में सरकार चलाई है आपने, पाकिस्तान जिंदाबाद के हमारी बहन की पार्टी ने सरकार चलाई है जम्मू कश्मीर। अगर इस तरह से करेंगे तो फिर बहस नहीं हो पाएगी, एक एक करके अपनी बात रखिए ताकि जनता भी अच्छे से समझ सके कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और मेरे तक भी आवाज ठीक से आ सके। सवाल मेरा ये है, आपने कि मुझे मेरे से सवाल पूछा है तो मुझे जवाब देना बनता था। ठीक है पहले आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप फरज जी बता दीजिए, उसके बाद मेरे सवाल होगा। देखिए ये नेशनलिज्म पे बात करने वाली, याद हो अभी दो से तीन दिन पहले प्रज्ञा ओझा ने क्या कहा था, साध्वी जी ने क्या कहा था, उन्होंने हमारे देश के शहीद के लिए कितना बड़ा मजाक उड़ाया, उसके बाद उन्होंने टर्न करा कि मैं अयोध्या में मंदिर तोड़ने गई, वो 3 साल की उम्र में उन्होंने देखिए कैसे टर्न करा। ये सेंटीमेंट्स का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, अगर ये विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही जो इन्होंने किया है, नोटबंदी करी, जीएसटी करी, जाएं ये कहें जनता से कि हमने देश का विकास किया है। अभी याद होगा आपने जब योगी जी के ऊपर एससी के यहाँ खाना खाने गए थे या खाना खिलाया था, मैं पूछना चाहता हूँ जब उत्तर प्रदेश में एक ओबीसी मुख्यमंत्री हटे थे तो उसके बाद शुद्धिकरण कराने किसने कराया था 5 कालिदास मार्ग का, ये भी चीज मैं पूछना चाहता हूँ। मैं ये भी बात पूछना चाहता हूँ जब युवा बेरोजगार हमारा शिक्षा मित्र उनसे तख्ती लगा करके लगाता जी, है और उनसे आवाज करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है, मुझे भी आपसे बहुत सवाल पूछने हैं। सर तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि तीसरे चरण में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इन सीटों पर कब्जा करने की, साथ ही साथ कांग्रेस के लिए भी साख का सवाल ये सीटें बनी हुई है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहला मेरा सवाल यहाँ पर अनीता अग्रवाल जी से है। अनीता जी, कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खास तौर पर समझी जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं वो अब अलग दिखाई दे रही है, बीएसपी और सपा का गठबंधन हो गया है। अगर हम क्षेत्रीय क्षेत्र की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि अब जो जातीय समीकरणों के आधार पर वोट बटेंगे और इसी आधार पर ये गठबंधन भी हुआ है, ऐसे में बीजेपी किस तरह से यहाँ पर अपनी सीटें निकालेगी ये बताइए मुझे। देखिए बीजेपी जो है अपने काम के आधार पर तो वोट मांग ही रही है, जो हमने क्या कहते आयुष्मान भारत योजना का है, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और गांव दोनों में दी है, फसल बीमा योजना दी है, आवास योजना दी है, मुद्रा योजना दी है, जनधन योजना दी है, कौशल विकास योजना दी है, निर्मित हाईवे हमने दी है, सबसे हमने इतना विकास कार्य किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जनता जो है, देखिए बेवकूफ नहीं, केंद्र का चुनाव है ये, प्रदेश का चुनाव नहीं है, उनको मालूम है ये जिन योजनाओं की मैडम आप बात कर रही हैं, अनीता जी जिस योजनाओं की आप बात कर रही हैं ये सभी राज्यों में लागू हुई हैं, ठीक है, ये तमाम जो है पूरे देश के लिए योजनाएं हैं, ये जो योजनाएं हैं पूरे देश के लिए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कई राज्यों में चुनाव होते हैं, राजस्थान में आपकी सरकार चली जाती है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार नहीं आती है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार नहीं आती है, तमाम योजनाएं आपने चलाई है वो धरातल पर नहीं उतर पाती है, जनता को उसका फायदा नहीं मिल पाता है। नेहा जी मैं उसी का जवाब दे रही हूँ, मैंने यही कहा ये केंद्र का चुनाव है, मैं वही कह रही, ये केंद्र का चुनाव है। उपचुनाव याद है आपको उत्तर प्रदेश का? आपको नहीं, आप नहीं, अगर उपचुनाव याद है तो 17 का चुनाव भी याद होना चाहिए कि पूर्ण बहुमत से जनता ने हमें चुना है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आप कह रहे केंद्र की राजनीति है, अपनी सीटें कम किए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपना स्वार्थ हित के लिए ये लोग एक हुए हैं, ये सबको पता, चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हुए हैं। और आतंकवादी का पहले मेरी बात सुनिए, बीजेपी को डर लग रहा है क्या अनीता जी, बीजेपी को डर लग रहा है क्या? नहीं, बीजेपी डर रही है क्या? नेहा जी सुनिए, क्यों डरेगी बीजेपी? बीजेपी ने काम किया है, क्यों डरेगी? और हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, और पहले कहा जाता था लवारिस अटैची है छूना नहीं, लवारिस बैग है छूना नहीं, हर जगह आतंकवाद का भय रहता था चाहे कोई भी शहर हो। आज क्या है, स्वच्छता पे ध्यान दीजिए ये लिखा रहता है, कहीं ये नहीं कहा जाता बैग है छूना नहीं। आज आतंकवाद एक सीमा पे आके खत्म हो रहा है, उसको पूरा खत्म करना चाहते हैं, ये हमारी उपलब्धि है। जो आज भय था वो खत्म हो गया। आप आतंकवाद की बात करते हैं, आप शहीदों के सम्मान की बात करते हैं, आपके जरिए जो प्रत्याशी बनाए जाते हैं वो शहीदों का अपमान करते हैं, बीजेपी की नीति स्पष्ट है या नहीं है? युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, हमने आप सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, जो पार्टी को साथ नहीं लेके चल पाते हैं वो सबका साथ सबका विकास कैसे कर पाएगा मैडम? मुझे
ये समझाइए, आप अपनी पार्टी को साथ नहीं लेके चल पा रहे हैं, आपके आपके आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी कोई वरिष्ठ, सब सारे नेता, सब नेता साथ में है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, उसमें तय होता है, कोई व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है जैसे परिवारवादी व्यक्तिवादी पार्टी है। लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगाता है, विपक्ष तो ये आरोप लगाता है कि अब बीजेपी मोदी मोदी मतलब बीजेपी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। देखिए ऐसे तो मेरी बात सुनिए, हम लोग ये भी कहते थे वोट अटल को वोट कमल को, नेता तो कोई होता ही है ना, पहले भी तो नेता अटल जी के नाम पे नारे लगते थे, ऐसा तो नहीं कि नहीं लगते थे, हम लोग नारे लगाते थे वोट अटल को वोट कमल को। तो नेता है हमारे मोदी जी, तो मोदी जी का नाम तो हम लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो उन्होंने कहा था इस देश में पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन हमारे मोदी जी क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, सब 125 करोड़ जनता की बात करते हैं वो कभी ये। और आज आवास ऐसा नहीं कि हिंदुओं को दिए मुसलमानों को नहीं दिए, आयुष्मान भारत जो है हिंदुओं को दिए, हमने सबके लिए काम किया। गुजरात के आज मुसलमानों से बात करिए, ठीक है, वो कहते हैं आज सबसे ज्यादा, आप ये दावा कर रही है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो तस्वीरें हैं सामने आ रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो बयान सामने आते हैं और जो हालात नेताओं के हो रहे हैं, वो खुद ब खुद बयान कर रहे हैं मैडम कि हालात क्या है और बीजेपी में सबका साथ सबका विकास है या नहीं, और बाकी जो रही 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 कसर है वो जनता तय कर देगी, ठीक है, रही कसर जो है वो जनता तय कर देगी। कल तीसरे चरण का चुनाव है और वो जनता बता देगी कि आखिर किसका किसके साथ जनता है और किस पार्टी का वो विकास करेगी, समझ में आ जाएगा जनता किसके साथ है। ठीक है मैडम, जनता सर्वोपरि है, वोट की चोट जनता को देनी है, जनता तय करेगी, ठीक है। सुरेंद्र अग्रवाल जी गड्ढे थे यहाँ पे जो उन्होंने भरे, ठीक है ठीक है सुरेंद्र अग्रवाल जी, ठीक है मैम, ठीक है आपके पास आऊंगी, आपके पास आऊंगी, ठीक है। सुरेंद्र अग्रवाल जी, किस तरह से गुजरात में अपनी खोई हुई जमीन आप वापस लेकर आएंगे, अपनी एक जमीन तैयार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 26 की 26 सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है और गुजरात में कांग्रेस का कोई दूर दूर तक अता पता नहीं है, किस तरह से उन सीटों पर कब्जा कांग्रेस करेगी और कांग्रेस के क्या तैयारियां उसके लिए। देखिए नेहा जी, जनता 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 के निर्णय लेने की क्षमता पर हमको पूरा भरोसा है, चाहे गुजरात हो या पूरा देश हो। सब जानते हैं कि जुमलेबाजी के अलावा मोदी जी ने और कुछ नहीं किया। अभी मेरी बहन, छोटी बहन, मैं शुभकामनाएं भी दूंगा नीता जी को, वो किसान बीमा की बात कर रही थी। किसान बीमा में जो निजी कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां, उन्होंने पूरे देश से 9,500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया और किसानों को बीमा के रूप में क्या मिला, मात्र 273 करोड़ रुपए का जो क्लेम है वो स्वीकृत किया गया उसमें। और सबसे बड़ी बात कि जितनी निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां बीमे की, वो सब मोदी जी के दोस्तों की है, अडानी की है या अंबानी की है। 72,000 रुपए का जो एक जुमला छोड़ा था, रोजगार देने की बात, 72,000 रुपए का जो एक जुमला राहुल गांधी ने छोड़ा था, इस चुनाव में कितना फायदा उसका मिलेगा? क्यों है जुमला नहीं है, कांग्रेस ने तो, कांग्रेस ने तो 72,000 करोड़ रुपया जो है किसानों का माफ किया था, याद करिए 72,000 करोड़ रुपया। मैं माफी की बात नहीं कर रही हूँ सर, मुझे आप ये बताइए ना, किया है ये? जी, हम जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस यदि है तो कांग्रेस विश्वास के साथ सामने है, हमने जो किया है वही सब कुछ। आज मोदी जी तो रिबन भी हमारे बनाए हुए पुलों का काट रहे हैं, स्मार्ट सिटी पूछिए कितनी स्मार्ट सिटी बना दी है देश के अंदर, बुलेट ट्रेन कहाँ चल रही है, कितनी चल रही है, पूछ लीजिए। आपने बहुत ऊर्जा है अनिता जी, आप तो ऊर्जावान नेता हैं, मैं तो बहुत बुजुर्ग हूँ, मैं आपका ऊर्जा में मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी शुभकामनाएं आपकी इस ऊर्जा को, मेरी इस ऊर्जा को, मेरी छोटी बहन हो आप, जरा उन्नाव को भी याद कर लीजिए, कठुआ को भी याद कर लीजिए। आप महिला सम्मान की बात कर रही हैं, उन्नाव की बात करिए। और सबसे बड़ी बात, आज संसद के अंदर 165 सांसद ऐसे रहे हैं भाजपा के जिन पे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, यहाँ तक कि बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे अपराधियों को जो पार्टी ने सांसद बनाया हो, विधायक बनाया हो, उसे महिला सम्मान की क्या बात करेंगे आप? सुरेंद्र भाई, राहुल जी और सोनिया जमानत पे चल रहे हैं। अरे जमानत पे तो आपके तड़ी पार भी रहे हैं, तड़ी पार भी जमानत पे रहे हैं, तड़ी पार जमानत में रहे हैं। और याद करिए, आपके तड़ी पार भी जमानत में है, तड़ी पार जो है आप जानती हैं तड़ी पार कौन है? गलत, अरे मेरी छोटी बहन तड़ी पार को जानती है?
आप तड़ी पार की जमानत पर रहे हैं, तड़ी पार को जानती है नहीं जानती है आप? या तड़ी पार जी से पूछिए, तड़ी पार जी से पूछिए आप उनसे क्या हाल है। अरे आप पूछिए तड़ी पार से, ठीक है? आपके तो मुख्यमंत्री पे एक दर्जन केस चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे एक दर्जन केस चल रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लाओ क्या आपके पास? मुख्यमंत्री के ऊपर एक दर्जन आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, आपको याद दिला दूं मैं? आपका आपका तड़ी पार भी तो जमानत पर रहा है, तड़ी पार जमानत पर रहा है, एक महिला के पीछे जासूस लगाने के लिए भी जिम्मेदार आपके साहब हैं, आपके साहब एक महिला के पीछे जासूस लगाने के लिए जिम्मेदार रहे हैं गुजरात में एक महिला के पीछे। ठीक है, ठीक है, आप सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, अब इस तरह से करेंगे तो कैसे डिबेट होगा? अनीता जी आपने बहुत ऊर्जा है, मैं आपकी ऊर्जा का मुकाबला नहीं कर सकता। अनीता जी आओगे मैं आपके पास। सुरेंद्र जी एक सवाल आपसे है मेरा, गया था उनको सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी है नहीं है, सुरेंद्र जी सवाल सुन लीजिए, मानते हेमंत करकरे को उसके बारे में भी बताइए ना आप जरा। 300 करोड़ का उनका दर्द था, उन्होंने अपने से बोला था शहीद का दर्जा देना चाहेंगे नहीं हेमंत करकरे का, ये साध्वी प्रज्ञा का अपना दर्द रहा है वो बोली थी, उन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी है। मेरी छोटी बहन आपका ऊर्जा, अनीता जी कैसी बात आप करती हैं, मेरी शुभकामनाएं, ऐसी बात आप करती हैं, ऊर्जा आपने आपने हिंदू आतंकवादी बना दिया, आपने उसको हिंदू आतंकवादी बना, आप कैसी बातें करती हैं अनीता जी, पूछिए उनसे क्यों चले अनीता जी। एक एक तरफ आपकी पार्टी कहती है हम शहीदों का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ आपकी आपकी बीजेपी, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए। हमने कहा साध्वी प्रज्ञा जी ने कहा, उसके बाद उन्होंने बयान अपने वापस लिए, माफी मांगी है, उसके बाद एक और बयान दे दिया, उसके बाद एक और बयान दे दिया, वो आपने नहीं सुना क्या? उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, उस पे हमें फक्र है, उस पे हमें गर्व है, एक और बयान उन्होंने दे दिया। इस तरह की प्रत्याशी आपकी तरफ से बनाए गए हैं, इस तरह की उन्होंने कहा मैंने तोड़ी है, उन्होंने ये कहा मैंने तोड़ी है। देखिए प्रज्ञा ठाकुर जी को भगवा आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी किया, इतना उन पे अत्याचार किया गया, आज इसलिए उनको वहाँ पे उसी धर्म और अधर्म की लड़ाई के लिए खड़ा किया गया है। एक तरफ अधर्म है, एक तरफ धर्म है, जनता फैसला करेगी क्या सही है क्या गलत है। इतना अत्याचार उस महिला पे हुआ है, उन्होंने सुनो तो आंखों में आंसू आ जाए कि आप हिंदू आतंकवाद बताइए, हिंदू कभी आतंकवाद जो वसुधैव कुटुंबम की बात करता है उसके लिए अत्याचार हुआ है अनीता जी, उसके लिए सुरेंद्र जी। देखिए इस तरह से अगर आप लोग चिल्लाएंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी, सवाल सुन लीजिए उसके बाद बोलिए। अनीता जी से मेरा सवाल है, अनीता जी आपने कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आएंगे आपके पास, देखिए समय बहुत कीमती है, समय बर्बाद मत करिए प्लीज। अरे अनीता जी चुप कराइए तो हम जवाब दें। ठीक है सवाल कर लेती हूँ मैं आपसे। अनीता जी आपने कहा कि उनपे बहुत यातनाएं हुई, उन्होंने बहुत दर्द झेला, उसके लिए आपके पास दूसरे रास्ते होते हैं, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, आप और तमाम तरह के रास्ते अपना सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर आके इस तरह के बयान देना, एक शहीद का अपमान करना, क्या इसे ऊंचे समझते हैं आप? क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए आपकी बात सही है, लेकिन जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, हम लोकतंत्र के में विश्वास करते हैं, और जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है, हमने जनता की कोर्ट के केस कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन जनता की अदालत भी उनको खड़ा कर दिया, जनता की अदालत फैसला करेगी कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जनता जनता ही जानती है कि उनपे कितना अत्याचार हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए उनको इतनी प्रताड़ना दी गई है कि आप अपने मुंह से कबूल करिए कि आपने ये बम फेंके हैं, आपने ये किया है, लेकिन उन्होंने कहा मुझे जब मैंने किया नहीं तो मैं क्यों कहूँ। उस महिला को हम कम से कम इतनी उनकी स्ट्रांगनेस पे, ठीक है, ठीक है, मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, इतने वो स्ट्रांग रहे, ठीक है, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव होंगे, ठीक है अनीता जी, ये उनकी बड़प्पन है, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव होंगे, ऐसे में अगर हम खास तौर पर रामपुर की बात करें, रामपुर फिलहाल जुबानी जंग का अखाड़ा बना हुआ है और कल वहां पर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आजमगढ़ खास तौर पर अगर हम आजम खान की बात करें तो रामपुर में जो आजम खान है उनका खास तौर पर वर्चस्व देखा गया है, क्या आपको लगता है जयप्रदा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है वहां पर जीत हासिल करना और किस तरह से भाजपा वहां पर अपनी सीट निकालेगी?
नेहा जी आजम खान जी बिल्कुल बौखला गए हैं, वो उनके बेटे भी अलग बयान दे रहे हैं, वो भी अलग बयान दे रहे हैं, वो जया प्रदा से इतना बौखला गए हैं, उनको लग रहा है कभी वो मंचों पे रो रहे हैं, कभी वो आज अनारकली लेके आ गए हैं, कभी उनको अश्लील शब्द बोलते हैं कि मैंने उनको टच नहीं होने दिया, मैंने उनको गलियों गलियों, तो वो इतने बौखलाए हुए, उनकी हार उनके सामने नजर आ रही है, वो वहां पे देख पा रहे हैं कि मैं कितना हार रहा हूँ, इसीलिए वो मंचों पे रो रहे हैं। वो मालूम है वहां पे कि बीजेपी बहुत अच्छे वोटों से जीत रही है, ये उनकी बौखलाहट है जो सामने आ रही है, इसीलिए वो अलूल जलूल बोल रहे हैं। और हमारे यहाँ जनता अच्छे से जानती है कि क्या सही है क्या गलत है, हम लोग काम के आधार पे आ रहे हैं, विकास के आधार पे आ रहे हैं, देश हित के लिए आ रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए आ रहे हैं। और मोदी जी 14 से ज्यादा 19 में सुनामी है, ये आप देखिएगा कि अब की बार 400 पार होगा, इस बार 400 पार। अगर हम पीलीभीत की बात करें यहाँ पर, तो पीलीभीत में जो मौजूदा सांसद है वो मेनका गांधी है, लेकिन वहां पर वरुण गांधी को टिकट दिया गया है, क्यों और आखिर किस आधार पर ये जो टिकट का बंटवारा है वो किया गया है, क्या उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं रहा? अगर रिपोर्ट कार्ड नहीं अच्छा रहा तो सीट की अदला बदली क्यों कर दी गई? देखिए एक चीज बताइए, ऐसे तो अखिलेश भी मुलायम सिंह की सीट पे आ गए हैं, ये कोई बात नहीं, अगर बेटा बाप की सीट पे आता है या बेटा बाप की सीट पे आता है तो कोई नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ क्या इसके पीछे कोई खास वजह थी क्या? नहीं नहीं कोई खास वजह नहीं है, कोई खास वजह नहीं है, वो उनकी पुरानी सीट पीलीभीत में पहले भी रह चुके हैं, वरुण गांधी पहली बार तो आ नहीं रहे हैं, उससे पहले भी वो सांसद रह चुके हैं तो दोबारा फिर आ गए, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि उन्होंने कोई खराब काम किया, और वहाँ की जनता उनको बहुत अच्छे से जानती है, यही कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कहा था उस समय ये लड़की है सरदारों की लड़की है गद्दारों की, इनके बैनर लगे थे वहाँ पे, और हमने कम से कम आज इन्होंने अपने घर की बहू को बाहर निकाल दिया, कम से कम भारतीय जनता पार्टी में इतना सम्मान तो है कि आज उनको हम लोग उनको सम्मान से रखते हैं, इनके यहाँ तो अपनी महिला की सुरक्षा नहीं है, प्रियंका चतुर्वेदी को इनकी पार्टी में सुरक्षित नहीं रखा गया, उसने पार्टी छोड़ दी, ये इनके यहाँ का चरित्र है, ये क्या चरित्र है, ये जनता को क्या देंगे जब ये अपना चरित्र नहीं सुधार पा रहे अपनी पार्टी में सुधार पा रहे, एक बहू को घर सुरेंद्र जी आपसे मेरा एक सवाल है, वायनाड सीट की मैं बात करूँ, ठीक है, वायनाड सीट की अगर हम बात करते हैं तो पिछली बार 2014 की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के पास 9%, बीजेपी प्लस अलायंस के पास 9% वोट पड़े थे, कांग्रेस को 44% पड़े थे, वही लेफ्ट को 42% वोट मिले थे। अगर हिंदुत्व का मुद्दा यहां पर उठाया गया है और पुरजोर तरीके से भुनाने की कोशिश भी इस चुनाव में की गई है, ऐसे में हिंदुत्व अगर एकजुट हो जाता है और एक खास वर्ग मुस्लिम वर्ग अगर लेफ्ट के पाले में चला जाता है तो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस सीट को बचाए रखना, और राहुल गांधी के लिए खास तौर पर क्योंकि ये वीवीआईपी सीट अब बन गई है। नेहा जी पहले तो आपके समक्ष मैं आपत्ति प्रकट कर दूं जी जी कि हम पूरे देश को किसी जाति धर्म विशेष के रूप में नहीं देखते, लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, उसकी वोट की एक ही वैल्यू है, तो मेरा आपसे भी करवट निवेदन है कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ना बनाया जाए, इस काम के लिए तो बहुत गोली वाले मीडिया के लोग बना रहे हैं, सुरेंद्र जी हम मुद्दा नहीं बना रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां मुद्दा बना रही है, हम तो जाति समीकरणों की बात कर रहे हैं सर, मैं आप मेरा मेरा निवेदन है, हम तो जाति समीकरणों की बात कर रहे हैं, आप एक विशेष वर्ग को साधने की कोशिश करते हैं, दूसरी पार्टी एक विशेष वर्ग को साधने की कोशिश करती है, मीडिया थोड़ी ना बनाती है, मीडिया हिंदुत्व का मुद्दा नहीं बनाती है, मीडिया किसी और चीज का मुद्दा नहीं बनाती है, जो मुद्दे होते हैं उसी के सामने रखा जाता है। आयोग भी इसमें, चुनाव आयोग भी कार्रवाई कर सकता है हम लोगों के ऊपर, हम इसको नहीं नहीं हम इस दृष्टिकोण से नहीं देखते, मेरा आपसे भी निवेदन है आप भी इस दृष्टिकोण से ना देखें, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान के नाम पे समाज को बांटने के लिए तो गोदी वाले मीडिया में बहुत लोग बैठे हैं, उनका काम ही ये है, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी इस सीट को बचाए रखना, से ना देखा जाए, ठीक है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस अक्सर वहां से जीतती हुई आई है, मैंने कहा ना कि कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत भारी बहुमत से वहां से जीत कर आएंगे, और जो वो देश की एकता अखंडता का संदेश देने के लिए वहां गए हैं वायनाड सीट में, तो निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक परिणाम निकलेंगे, पूरी देश की एकता और अखंडता बनी रहे,
इसीलिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हमारा लोकतंत्र जिंदा रहे, हमारा चौथा जो स्तंभ है मीडिया वो जिंदा रहे, वो अपनी बात कह सके। आपको मीडिया के साथी हमारे बिल्कुल ये कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, अपने जोरदार ढंग से निर्भय होकर अपनी बात कर सके, हम ये शुभकामनाएं इस चुनाव में देना चाहेंगे। ठीक है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी अगर वायनाड सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो पूरे केरल पे पड़ेगा, आसपास की सीटों पर पड़ेगा। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आसपास बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और कांग्रेस वहां पर ज्यादा सीटें निकाल सकती है राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के बाद? देखिए, राहुल जी ने अपने नामांकन के समय साफ कहा था कि मैं देश की एकता अखंडता का संदेश देने के वायनाड आया हूँ, और वो संदेश जाए, पूरा देश एक है, हम इस देश पूरे देश को जाति धर्म इन मुद्दों पे ना बांटे, चुनाव में ये मुद्दे ना उठे, इसीलिए वायनाड गए हैं, वो इसीलिए गए हैं, ये संदेश देने के लिए गए हैं, और ये संदेश सफल होगा, हम सबका ये जो मनसा है ये सफल होगी। जी जी जी, चलिए फरत अहमद रईस जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि राहुल गांधी की तरफ से ये कहा जाता है कि लगता है वो अब जा चुके हैं, हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं। अनीता जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, कांग्रेस का ये कहना है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ये साफ तौर पर कह रही है कि कार्यकर्ताओं की मांग थी जिस वजह से जो राहुल गांधी है वो केरल गए, वायनाड सीट से चुनावी मैदान में उतरे। देखिए नेहा जी, वायनाड में वो इसलिए गए हैं क्योंकि उनकी अमेठी की जमीन बिल्कुल खिसक चुकी है। हाँ। वो जानते हैं कि हम अमेठी में जीत नहीं पाएंगे क्योंकि उनको अच्छे से भर गए, और उन्होंने जाके वहाँ पे जब ग्रीन झंडे थे तो उन्होंने मंच से बोला कि ये हरे झंडे अपने हटा दीजिए वरना उत्तर भारत में गलत मैसेज जाएगा, ये वो मंच में बोले हैं। अब बताइए आप, जो व्यक्ति अमेठी में हिंदू और वायनाड में मुसलमान है, बताइए, भ्रष्टाचारियों का राजा है। आप ये खुद सोचिए, जो वो खुद दो चरित्र लेके चल रहे हैं, दो चेहरे हैं उनके, एक तरफ तो जनेऊ पहनते हैं और एक तरफ वायनाड में कहते हैं हरे झंडे छुपा लो उत्तर भारत में दिक्कत होगी, क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर भारत में मेरी जमीन खिसक चुकी है, अब कोई जमीन नहीं है, इसीलिए वो वहां गए हैं। लेकिन वहां की भी जनता समझदार है, वहां से भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। चलिए वक्त बताएगा किसको मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन महाराष्ट्र की मैं बात करूं, ठीक है, महाराष्ट्र की बात करूं अनीता जी, तो 14 सीटों पर अभी लोकसभा चुनाव होने हैं। अगर 2014 की मैं बात करूं तो 9 सीटें थी जिस पर एनडीए का कब्जा था, शिवसेना लगातार 5 साल आंखें दिखाती रही, बयानबाजी करती रही, और उसके बाद अब जो है वो 14 सीटों पर चुनाव होने हैं। 9 सीटों से क्या बढ़ेगी बीजेपी एनडीए, या फिर 9 सीटें भी निकालना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है? नहीं नेहा जी, जितनी सीटें थी हमारी सारी सीटें आएंगी, बल्कि बढ़ के आएंगी। और शिवसेना कल भी हमारे साथ थी, आज भी हमारे साथ है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे से महाराष्ट्र में अलग हो गई है। हमारी सीटें पहले 9 थी, अब की बार पूरी की पूरी आएंगी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमने काम किया है, जनता के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है, हमने कोई जमीन जायदाद नहीं पैदा की है। राहुल जी को क्या काम करते जो आज थी कोठियां हो गई, सोनिया जी क्या करती है, चौथी रईस महिला हो गई है, आप ये बताइए मुलायम सिंह यादव जी की इतनी कोठियां कहाँ से हो गई, अखिलेश जी कहाँ, ये सब जनता का पैसा लूट लूट के इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों ने जनता का पैसा जनता में लगाया है। आज मोदी जी के अपने परिवार के लोगों को आप देख लीजिए, वो एक गरीब तबके से आए हैं, गरीब व्यक्ति से आए, उनको दर्द मालूम है क्या दर्द होता है गरीबों का। वो कभी ये कांग्रेस उनको चाय बेचने वाला कहती है, कभी उनको नीच कहती है, कभी उनको चोर कहती है, इन्होंने सिवाय मजाक बनाने का क्या किया है, ये जनता देख रही है। जनता इस समय बहुत समझदार है। मोदी जी दोबारा भारी बहुमतों से आ रहे हैं, इस बार 14 से ज्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं, ये आपको 23 तारीख को पता चलेगा। चौकीदार चोर है, पर एक सवाल यहाँ पर मेरा सुरेंद्र जी आपसे है, क्योंकि चौकीदार चोर है कि बयान पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में खेद जताया, उन्होंने कहा कि उत्तेजना में ये बयान उनके मुंह से निकल गया, उत्तेजना में ये बयान दिया गया है, राहुल गांधी क्या ज्यादा ही उत्तेजित नहीं हो जाते? अक्सर देखा जाता है किस तरह के बयान देते हैं।
नेहा जी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने के बाद ट्विटर में आकर फिर लिख दिया जी 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 अमेठी में रैली हुई है, अमेठी में उन्होंने 12 बजे ये कहा है। छोटी बहन चाहती है मैं ना बोलूं, ठीक है इजाजत ले लीजिए, ठीक है एक मैं आपको बता दूं, इजाजत ले लीजिए नेहा जी, इजाजत ले लीजिए मेरी छोटी बहन से, ठीक है ठीक है आप बताइए। छोटी बहन चाहती है कि मैं ना अपनी बात, सुरेंद्र जी आपसे ही मेरा सवाल है बताइए। अगर सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए यदि राहुल जी ने अपनी बात कही है तो वो पटाक्षेप हो गया, और भाजपा नेता को इस संबंध में बोलने का अधिकार नहीं है। रैफल के मुद्दे में लेकिन हैरानी की बात तो ये है ना सुरेंद्र जी, हैरानी की बात तो ये है कि एक बार खेत जताते हैं और दूसरी बार आकर अमेठी में फिर कह देते हैं कि प्रधानमंत्री चोर है, उसके नारे लगवाते हैं। तो रेफल का मुद्दा खत्म तो नहीं हुआ ना, सर्वोच्च न्यायालय ने रेफल का मुद्दा खत्म नहीं किया। राहुल गांधी की क्या ये आदत है क्या सुनवाई चल कि बात कुछ और होती है उसको परोसते कुछ और है? राहुल गांधी की क्या ये आदत है? इससे पहले आपको याद होगा सुरेंद्र जी, सुन लीजिए इससे पहले आपको याद होगा मनोहर पर्रिकर से सरकार का शपथ पत्र पढ़िए ना, मनोहर पर्रिकर से निजी मुलाकात करने गए थे और जब बाहर आए कि हमने संसदीय समिति को बता दिया, हमने कैक को बता दिया, गलत तथ्य रख रही है केंद्र सरकार वहां पर, और अभी सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई बंद नहीं हुई है, सुनवाई बंद नहीं, सुनवाई चल रही है। अभी क्लीन चिट नहीं मिली है मोदी की सरकार को, नाम बताने में क्या दिक्कत? सुन लीजिए अब सवाल सुन लीजिए, मेरा ये सवाल है कि राहुल गांधी की क्या ये आदत है कि बात कुछ और होती है उसको परोसते कुछ और है? पाकिस्तान का जो है वो जन्मदिन याद कर सकते हैं तो इसका दाम भी बता देते, ठीक है। अब मेरा सवाल सुन लीजिए, राहुल गांधी की क्या ये आदत है कि बात कुछ और होती है, वो जनता के सामने कुछ और रखने की कोशिश करते हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया इस मामले में, तो और ठीक है बात सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर, पूछ लीजिए ना ये मोदी जी। नेहा जी आप तो बहुत निर्भीक पत्रकार हैं, आप तो निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार हैं, तो आप जो सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं ये सवाल उनसे भी किया जाना चाहिए। सवाल होगा उसी से तो पूछा जाएगा। जुमले आप मुझे ये बताइए मनोहर पर्रिकर से मुलाकात करके आए थे राहुल गांधी, सवाल मनोहर पर्रिकर से निजी मुलाकात करने गए थे, हालचाल उनके जानने गए थे, उसके बाद मीडिया में आकर कुछ और उन्होंने बयान दिया था कि राफेल मुद्दे पर आपके हाथ मनोहर पर्रिकर ने ये कहा, उसके बाद मजबूरन मनोहर पर्रिकर को एक पत्र लिखना पड़ा और सफाई देनी पड़ी है। उनके प्रति आपकी हमदर्दी, उनके प्रति आपकी हमदर्दी अच्छी नहीं लगती, जनता में जनता आपको भी देख रही है सोशल मीडिया में। सुरेंद्र जी हम किसी के प्रति हमदर्दी नहीं जताते हैं, ये आपको पता लग गया होगा, हम किसी के प्रति हमदर्दी नहीं जताते। जितने कठिन सवाल आपसे हैं उतने ही कठिन सवाल मैंने अनीता जी से भी पूछे हैं। नहीं आप कटघड़े में विपक्ष को क्यों खड़ी करती हैं? अरे नेहा जी आप विपक्ष को खड़ी कर रही हैं कटघड़े में, मोदी जी से पूछा जाना चाहिए कि ये जुमलेबाजी जो आपकी है कब तक चलेगी? सर जब आपसे सवाल होगा तो आपसे भी तो पूछा जाएगा, जब राहुल गांधी ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री चोर है और सुप्रीम कोर्ट में जाके खेत जताएंगे और उसके बाद वापस आएंगे और फिर रैली में ये कहेंगे कि नारे लगाइए प्रधानमंत्री चोर है, तो सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा? कितने उत्तेजित हो जाते हैं क्या राहुल गांधी? आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा बताइए आप मुझे? घोषणा पत्र पुराना नहीं पड़ा, पुराने वादे पुराने सपने सब भूल गए हो? जनता में किया जाना चाहिए, जनता में बेहतर छाप छोड़ने की कोशिश और जनता को फायदा पहुंचाने की कोशिश, ये जताने की कोशिश कि हमसे ज्यादा हितेशी कोई नहीं है, उसमें ना कांग्रेस पीछे है ना बीजेपी पीछे है, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। आप 72,000 रुपए की बात करते हैं, लोकतंत्र की नेहा जी, लोकतंत्र की मसाल आपके हाथ में है, लोकतंत्र की मसाल है आपने मजबूती से पकड़ रखी है, मैं यही कह रहा हूँ। पर देश के सर लेकिन सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप ये कह के नहीं टाल सकते हैं कि हमसे सवाल मत पूछिए क्योंकि हम विपक्ष है। आपने भी तो सत्ता में आप सबसे ज्यादा सत्ता में रहे हैं, क्या आपसे हिसाब किताब नहीं मांगा जाएगा? विपक्ष से सवाल करना उचित है? ये आप तो बहुत लोकतंत्र की मसाल आपने बहुत मजबूती से नेहा जी पकड़ रखी है। गोदी वाले मीडिया तो बहुत लोग हैं जो बहुत ऐसे जो है जो गोदी में बैठे हैं मोदी जी के, वो ये सवाल नहीं पूछ सकते। ये सवाल आप प्रधानमंत्री से आप भी पूछ सकती हैं, आप तो बहुत बहादुर महिला हैं, निर्भीक पत्रकार हैं आप। आपसे भी सवाल हम पूछेंगे, हम बीजेपी से भी सवाल पूछेंगे और हम तमाम राजनीतिक पार्टियों से सवाल पूछेंगे जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करती है। हमसे भी पूछिए, हमने अपना आपने सत्ता में राज किया है, आपसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा मुझे बताइए? नेहा जी एक मैं पूरी बात कर लूं, नेहा जी एक निवेदन है
सर ऐसे ही होता है, जब सवाल पूछे जाते हैं तो नेता तिलमिला जाते हैं सर, यही एक दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये विडंबना है देश की कि जब आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं तो आप लोग हम पे ही सवाल खड़ा कर देते हैं। जाकर बताया कि 70 साल में देश कहाँ पहुँचा, प्रधानमंत्री जी की जुमलेबाजी अब नहीं चलने वाली है, वो तो जनता तय करेगी ना सुरेंद्र जी, जनता तय करेगी, छोड़ दीजिए जनता के ऊपर, सुषमा स्वराज छोड़ दीजिए जाके बताया, छोड़ दीजिए जनता के ऊपर, तीसरा चरण का चुनाव है और 4 चरण के चुनाव और बचे हैं जो हो जाएंगे, विदेश मंत्री ने जनता अपने आप तय कर लेगी कि किसको वो मैं समझता हूँ उससे आगे कुछ नहीं है। विदेश मंत्री के बयान को आज तक मोदी जी ने कंडम नहीं किया, ये नहीं कहा झूठ बोला है मोदी जी ने, ये नहीं कहा चले, मेरे पास वक्त की बेहद कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लोकतंत्र में जो आज हमने सवाल उठाया और जिस तरह से हमने इस पूरे मुद्दे पर डिबेट किया कि आखिर कल तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में कौन सी पार्टी किस तरह से चुनावी मैदान में है, कौन कौन दिग्गज इस चुनावी मैदान में है, किस किस दिग्गज की किस्मत दांव पर लगी हुई है, तो वही अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता आखिर किसके किस्मत में क्या लिखती है। फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।